गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज थॉट ऑफ द डे, हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। इसका अर्थ है कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है। ठीक है, आज बच्चों इसका क्या अर्थ है पता है? कड़ी मेहनत सफलता की क्या होती है? चाबी। यानी कि अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगा। हम हमारे मेहनत के ऊपर ही हमारा सफलता डिपेंड करता है। अगर किसी कार्य को करने के लिए हम मेहनत नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि यह कार्य हमसे हो जाएगा, छोड़ देते हैं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तो इस तरीके से उस कार्य में डिले भी हो जाएगा, यानी कि वह कार्य पड़ा भी रह जाएगा और हमें उस कार्य में सफलता भी नहीं मिलेगी। तो जिस समय का वह कार्य है हमें उस समय उस कार्य को पूरा करना है और सही तरीके से करना है, तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। ओके, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी फर्स्ट। ओके, इसके पहले हमने हिंदी सेकंड पढ़ाया था, एक्सरसाइज करवाया था, क्वेश्चन आंसर करवाया था। हिंदी सेकंड का चैप्टर वाला ख़त्म हो गया, आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट। ठीक है, हिंदी फर्स्ट में इसके पहले वाले जो सेकंड क्लास में हमने क्या किया था, चैप्टर 3 पढ़ा था, आम की टोकरी। इससे वर्ग भी दिया था ना आप लोगों को, बहुत बच्चों ने करके दिया ही है, और इसके ऊपर इस तरीके से पिक्चर बनाने के लिए दिया था। मैंने वर्क चेक किया, बहुत बच्चों ने वर्क भेजा था। इसी तरह बच्चों मन लगाकर अपना वर्क भेजा करें। ठीक है, इस तरीके से आप क्लास में कभी पीछे नहीं होंगे। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है पत्ते ही पत्ते। ठीक है, हमारे चैप्टर में पत्ते ही पत्ते आज का विषय है। अब आप लोग सोचेंगे ये पत्ते कहाँ से आएंगे? ये जो हमारे पेड़ के पत्ते हैं यही पत्तों के बारे में बताया गया है। अच्छा, ये देखिए आपके सामने कुछ पत्ते मैं इस तरीके से आपके सामने लगा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए। ओके, ये सारे पत्ते हैं, ये भी एक छोटी सी पत्ती है। ठीक, ये भी एक पत्ता है, ये सारे पत्ते हैं आप लोगों के सामने। अब पत्ते देखिए कई तरह के होते हैं, कुछ देखिए इस तरह के पत्ते होते हैं, ऐसे राउंड पे होते हैं, है ना, कुछ ऐसे यहाँ से कट होते हैं, यहाँ से नुकीले होते हैं, और कुछ किसी का ऐसे यहाँ से कट निशान होता है, नुकीला निशान होता है, किसी का गोल होता है आगे का पोर्शन, और किसी में कुछ इस तरीके से भी निकले होते हैं, और कुछ पत्तों के कट इस तरीके से दिखते हैं। ये देखिए जैसे लगता है कि कोई धारदार चीज़ से इसको काटा गया, लेकिन ये प्रकृति ने ही इसे इसी तरह से काट के ही बनाया था, इसको किसी इंसान ने नहीं कट किया है। ओके, कुछ पत्ते छोटे होते हैं, कुछ पत्ते बड़े होते हैं, और ये देखिए कितनी छोटी सी पत्ती है ना, इसमें भी देखिए कौन कौन सी पत्ती है। ये देखिए, ये पत्ती है आपकी घुइयां की पत्ती, घुइयां आप लोग खाते होंगे, है ना, उसकी पत्ती। ये गुड़हल फूल की पत्ती है, सदाबहार के पत्ती है, ये सदाबहार का फूल। देखिए इस तरीके का ये फूल होता है, सबके घरों में ये फूल मिल जाएगा, हम लोगों के विद्यालय में भी ऐसा फूल आपको देखने को मिलता है ना। इसी फूल का ये पौधे का ये पत्ती है। ठीक है, ये हमारी तुलसी पत्ती है, जिसकी तुलसी माता की हम लोग पूजा करते हैं, उस पेड़ की ये पत्ती है। ये पत्ती है मीठे नीम, जिसे हमें कढ़ी, हम लोग कढ़ी पत्ता भी कहते हैं, है ना, उसकी पत्ती है। और ये है मनी प्लांट की पत्ती, ठीक है ना, इसको हम लोग अपने घर को सजाने के लिए लगाते हैं। ये कौन सी पत्ती है? मनी प्लांट। ठीक है, मेरे घर में कुछ पौधे लगे थे, मैंने उनसे ये पत्तियाँ तोड़कर आपको दिखाया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी कुछ पत्तियाँ
तोड़ना है अपने पौधों से, ज़्यादा नहीं, एक एक पत्ती ही तोड़नी है। ओके, अब अभी मैं बताऊंगी उस पत्ती का क्या करना है। देखिए, पत्ती का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह देखिए कितना चिकना होता है ना, कि उसमें पानी पड़ते ही वह उससे स्लिप कर जाता है, और इस तरफ में सामने की तरफ में पत्ती में कोई धारी, हल्की हल्की धारी हमें दिखाई देती है। लेकिन जब पत्ती को हम ऑपोजिट साइड यानी उल्टा करते हैं तब इसमें मोटी मोटी धारियाँ दिखाई देती हैं। ऐसी हर पत्ती में ही, हर पत्ती में होती, आप चाहे गुड़हल की पत्ती ले लीजिए, ये देखिए कैसी मोटी मोटी नसें दिख रही हैं, जैसे हम लोगों के हाथ के अंदर नसें दिखती हैं ना, जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस तरीके से ये पत्तियों का भी समझ लीजिए कि ये नस है। ठीक है, यहीं से इनका, इनके अंदर ब्लड तो नहीं रहता है, इनका सारा खाना पीना जितना खनिज लवण होता है वो इसके अंदर से सर्कुलेशन होता है। ओके, सारी पत्तियों में देखिए पिछले हिस्से में कैसी नसें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगले हिस्से में, ऊपरी हिस्से में नसें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको किन्हीं चार पत्तियों को इकट्ठा करना है। चार पेड़ की पत्ती, अलग अलग पत्ती होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप आम की पत्ती ले लीजिए, तुलसी की पत्ती ले लीजिए, पीपल की पत्ती भी ले सकते हैं, और गुड़हल फूल की पत्ती, कोई फूल की पत्ती ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी पत्ती जो आपके घर के आसानी से, घर के आसपास या घर में मिल जाए। ये नहीं कि मैम ने पत्ती खोजने के लिए कहा है तो लॉकडाउन में बाहर निकल गए पत्ती लेने के लिए, ये कार्य मत कीजिएगा। ठीक है, आपके घर के आसपास, घर के अंदर जितनी पत्तियाँ होंगी आप उसी में से इन्हीं चार पत्तियों का चयन कीजिएगा, और उसको क्या कीजिएगा मैं बताती हूँ। ऐसे कॉपी का आप ऐसे चार हिस्सा कीजिएगा पेंसिल से। ओके, ऊपर आप पार्ट का नाम डालिएगा। ओके, पार्ट का नाम क्या है, पार्ट चार पत्ते ही पत्ते, ये आप नाम नेम राइट कीजिएगा। उसके बाद इन पत्तियों को चाहे तो आप थोड़ा सुखा लीजिएगा। ठीक है, दो दिन के लिए कॉपी के अंदर रख दीजिएगा, वो सूख जाएगा। उसके बाद इस तरीके से आप इन पत्तियों को फेविकॉल से या टेप से, किसी भी चीज़ से, इस तरीके से आप फर्स्ट पेज में लेसन शुरू होने से पहले यहाँ पाठ का नाम, डेट, अपना नेम, रोल नंबर और ऐसे चार पत्ती चिपकाइएगा। ठीक है, और जो पत्ती चिपका रहे हैं यहाँ पर आप उसमें उसका नेम राइट कीजिएगा। जैसे ये पत्ती गुड़हल की है, यहाँ लिखिएगा गुड़हल की पत्ती, ये घुइयाँ की पत्ती है, लिखिएगा घुइयाँ की पत्ती, ये सदाबहार की पत्ती है, लिखिएगा सदाबहार की पत्ती, ये नींबू की पत्ती है, लिखिएगा नींबू की पत्ती। ठीक है, इसी तरह तुलसी की पत्ती या किसी भी चीज़ की पत्ती आप लोग चिपका सकते हैं। ओके, ये आप बहुत मज़ा लेके करेंगे, मुझे पता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पे। इस पेज पे तो आप फिर वर्क कर नहीं पाओगे, है ना, पीछे वाले पेज पे वर्क नहीं कर पाओगे, तो इस पेज पे इसको ऐसे दो हिस्सा कर लीजिएगा। यहाँ पर दो पत्ती बनाइएगा। ठीक है, एक कटदार पत्ती, कटिंग वाली, और एक प्लेन पत्ती। ठीक है, जिस तरीके से ये देखिए ऐसे कट होनी चाहिए पत्तियों में। ओके, इस तरीके से कट हुई, ये पत्ती हो गई। ठीक, एक ये पत्ती हो गई और एक ऐसे ही ऐसे प्लेन हो गई पत्ती। ओके, अब इस पे कलर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पीछे पेज से आप वर्क शुरू कीजिएगा। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया, अब हम आगे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हमारा चैप्टर है पत्ते ही पत्ते। अब इन पत्ते ही पत्तों में चैप्टर में बहुत सारे आपको बच्चे दिखाई देंगे, है ना, बहुत सारे बच्चों में उनकी एक दीदी है जो उनसे थोड़ी बड़ी हैं, और बच्चे सारे उनको दीदी कहते हैं। ठीक है, अब जिस तरीके से हमारे क्लास में टीचर होती हैं, है ना, आप लोग को गाइड करती हैं,
उसी तरीके से इन बच्चों को गाइड करने के लिए इनकी दीदी हैं। अब दीदी क्या बोल रही हैं देखिए। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ, 1 2 3 4, यानी दीदी गिनती शुरू कर दी हैं। अब बच्चों को कहानी सुनाना है या कोई गेम कराना है, ठीक है, या किसी की चीज़ के किसी विषय के बारे में समझाना होता है तो बच्चों को पहले शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चों की स्वाभाविक स्थिति ये होती है कि वो चुप ही नहीं होते हैं और जानने की भी इच्छुकता होती है, लेकिन उनको चुप कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनकी दीदी ने क्या कहा कि मैं 5 तक गिनूंगी, तब तक आप लोग चुप हो जाएंगे, यानी कि चुप होकर के गोला बनाकर बैठ जाएंगे। और जाहिर सी बात है, जब गोला बना के बैठ जाएंगे तो सारे बच्चे चुप हो जाएंगे, है ना। तो दीदी ने यही गेम शुरू किया। अब बच्चे क्या किए, गोला बनाकर बैठने लगे। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी, यानी एक बच्ची बता रही है कि 5 दीदी का 5 बोलना ख़त्म भी नहीं हुआ और मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई, धड़ाम यानी जल्दी से जा करके बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर सब लोग गोला बनाकर बैठ गए। ये देखिए, ये बच्चे सारे बच्चे गोला बनाकर बैठ गए हैं, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये बच्ची जो है ये स्टोरी सुना रही है हम लोगों को, ठीक। सारे बच्चे 5 बोलने से पहले ही गोला बनाकर बैठ गए हैं। अब गोला बनाकर क्या होगा, दीदी क्या कर रही हैं, वही करेंगे जो अभी हमने आपको समझाया है। आज दीदी पत्ते लेकर आई हैं, जैसे आज आपकी मैम आप लोग के सामने कुछ रंगीन रंगीन पत्ते लेकर आई थी, है ना, और आप लोग को पत्तों के विषय में समझाई थी, है ना। अब दीदी क्या कर रही हैं देखिए, इतने सारे दीदी पत्ते लेकर के आई हैं, कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा, कुछ लंबे थे, कुछ गोल थे, कुछ एकदम गोल, कुछ छोटे और कुछ बड़े। जिस तरीके से आप लोग को भी तरह तरह की पत्तियां दिखाई गई, देखिए ये कुछ ऐसी हैं, देखिए कुछ गोल पत्ती है, है ना, ये देखिए कुछ गोल पत्ती है। अच्छा, मैं इसमें सजा देती हूँ, ओके, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को जैसे दीदी ने सजाया है, ठीक। कुछ गोल पत्ती है, कुछ लंबी पत्ती है, कुछ छोटी पत्ती है, कुछ बड़ी पत्ती है, इस तरीके से ये देखिए तरह तरह की पत्तियाँ हैं। ये देखिए, ये सबसे छोटी पत्ती है, है ना, ये सबसे छोटी पत्ती है, ये गोल पत्ती है, कुछ बड़ी पत्ती हैं, कुछ छोटी पत्ती हैं, इस तरीके से दीदी भी इसी तरह दीदी भी पत्तियाँ लेकर के आई हैं, ठीक। देखिए ये देखिए, लंबी पत्ती, कुछ गोल पत्ती, कुछ छोटी छोटी पत्ती, कुछ नुकीली पत्ती, इस तरीके से दीदी लेकर बच्चों को दिखाने के लिए आई हैं, ठीक। एक था लाल, एक पीला, एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था, है ना। एक पत्ता कैसा था, लाल कलर का। कभी कभी कुछ कुछ पेड़ों में आप लोग देखते होंगे कि कुछ पत्ते कैसे होते हैं, लाल लाल होते हैं, कुछ पत्ते पीले होते हैं, और कुछ पत्ते कत्थई कलर के बिल्कुल होते हैं, ठीक। उसी तरीके से दीदी भी रंग बिरंगी पत्ती लेकर के आई हैं। एक पत्तों पर नसें दिखाई दे रही थी, कुछ पत्तों पे मैंने कहा ना कि प्रत्येक पत्तों पे ही पीछे नसें दिखाई देती हैं, आगे उतना स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन पीछे नसें, पत्तों की नसें दिखाई देती हैं। और एक पत्ता कतरीला होता है, जैसे कि पपीते का पत्ता, देखिए किस तरीके से कट होता है, ये पपीते का ही पत्ता है, इस तरीके से देखिए कट 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 बना हुआ है ना, हाँ, किस तरीके से प्रकृति ने इसमें रंग भरा है, है ना। और एक डंठल, एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा होता है, ठीक है, देखिए ऐसे भी, इसमें भी सीधा है, इसमें भी सीधा है, किसी किसी में थोड़ा सा तिरछा होता है, और एक पत्ते में झालर वाला, जैसे इसमें जैसे लग रहा है कि ये देखिए स्पष्ट, अगर देखेंगे आप लोग अपने बुक में देखेंगे, इसमें जैसे लग रहा है कि मकड़ी का जैसे जाल से बना हुआ है, ठीक है। अब बच्ची क्या कह रही है, हमने पत्तों को छुआ,
छूकर देखा। अब बच्चे अगर आप लोग क्लास में होते इस समय, आप लोग तरह तरह के पत्ते लेकर के आते और उसको छू के उसका अनुभव करते, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग क्लास में नहीं हैं, आप लोग अपने घर में घर पर हैं, तो घर पे ही आप अपने पेड़ों से पत्ते, एक एक पत्ते तोड़कर उसको स्पर्श कर कर अनुभव करके आप लोग इसको अनुभव कर सकते हैं कि पत्ते कैसे होते हैं, ठीक है। एक पत्ता एक तरफ से मुलायम था और तो दूसरी तरफ से खुरदुरा। हमने कहा ना कि पत्ते जो होते हैं वो सामने के हिस्से से क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, बिल्कुल चिकने होते हैं, लेकिन जब उनको पीछे की तरफ घुमाया जाता है तो देखिए उसकी नसें दिखाई देती हैं, यानी कि अगर उसके ऊपर अगर हम अपना उंगली इस तरीके से फेरेंगे तो खुरदुरा ऐसा हमें एहसास होता है, ऊपर नीचे का एहसास होता है कि हमारी उंगलियां एक बार ऊपर जा रही हैं एक बार नीचे आ रही हैं, यानी कि हमें खुरदुरेपन का एहसास होता है ना। और कुछ पत्ते बदनवार जैसे लगते हैं, जैसे इस तरीके से भी कुछ पत्ते लगते हैं, ठीक है। मेरे घर में नीम का पत्ता नहीं है तो मैं आपको नीम के पत्ते भी ला कर के दिखाती, ठीक है। नीम के पत्तों में ऐसे छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, एक डंठल में काफ़ी पत्तियाँ होती हैं, ओके। अब ये देखिए बच्चों ने कितनी कितने रकम की पत्तियों के बारे में पढ़ा। हम लोग अक्सर पेड़ों में पानी डालते हैं, फूल तोड़ते हैं और अपने घर में तरह तरह के पेड़ लगाते हैं, लेकिन कभी इतनी गहराई से पत्तियों के बारे में जानकारी हासिल नहीं करते हैं। लेकिन आज से अभी इस समय लॉकडाउन लगा है, आप लोग घर ही पर हो, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पेड़ों की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, उनमें भी जान होती है। कोई भी बच्चा एक से ज़्यादा पत्ती नहीं तोड़ेगा, ठीक है, एक से ज़्यादा पत्ती मत तोड़िएगा, पत्ती उतनी ही तोड़िएगा जितनी आपको बुक में और कॉपी में चिपकाना होगा, ठीक है। और उसके बाद उसको देखिएगा, उसे देख करके छू करके स्पर्श कीजिएगा, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको सब मिलेगा कि वो कहाँ चिकनी है, कहाँ खुरदुरी है, गोल है, छोटी है, लंबी है, उसके डंठल कैसे हैं, उसका कलर कैसा है, ठीक है। जब उसको आप हाथ में लेंगे तो उसकी अनुभूति अच्छी तरह से कर सकेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब आप बगीचे में जाएंगे, पत्ते देखो, उन्हें हल्के हाथ उन पे लगाओ। बहुत ज़ोर से लगाएंगे तो पत्ती डंठल से टूट जाएगी। कैसा लगा, आपस में बातें करो। जब अगर आप लोग दो तीन भाई बहन हैं, घर पे कोई नहीं है, मम्मी पापा हैं, आप उनसे ही अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको पत्ती छूने से कैसा एहसास हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है, हम लोग उसके गाल को सहलाते हैं ना, उसे प्यार करते हैं, तो हम लोगों को बहुत मुलायमपन का एहसास होता है ना, कि वो बहुत कोमल है, नाजुक है। उसी तरह पेड़ पौधे भी बहुत कोमल और नाजुक होते हैं, उन्हें हमें हार्ड हाथ से यानी कठोरता से नहीं छूना चाहिए, बहुत मुलायमपन से मुलायम हाथों से ही उसको स्पर्श करना चाहिए। उसी तरीके से आप लोग उसको स्पर्श कीजिएगा और अपनी फीलिंग मम्मी पापा को बताइएगा, ओके। अगर किसी के घर में मम्मी पापा को समय नहीं है बताने के लिए, तो आप लोग जब मुझे भर भेजेंगे ना संडे को, तो उसमें रिकॉर्डिंग के द्वारा भी अपनी फीलिंग मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कि मैम मुझे पत्ती छूने से ऐसा एहसास हुआ था, ठीक है, मुझे कांटा लग गया, कि मुझे कोमलता लगा, वो मुझे बहुत चिकना लगा, ठीक है। जो भी आपको जैसा भी स्पर्श हुआ होगा वो आप हम लोग मुझे रिकॉर्डिंग के द्वारा भी बता सकते हैं, ठीक। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठा करो, ठीक है, लेकिन आसपास इसमें मत जाइएगा। आप लोग अपने घर में, सबके घर में कुछ ना कुछ तो पौधे लगे ही रहते हैं, ठीक है, उसी में से पत्ती लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, सिर्फ चार पत्ती, ठीक है, चार पेड़ों से चार पत्ती। इन पत्तियों को कागज़ में चिपकाओ, नीचे दी गई जगह पर चित्र बनाइए, ठीक है। एक तो आपको कॉपी में चित्र बनाना है और एक दो चित्र यहाँ बनाइएगा, ठीक है, दो पत्तियों का चित्र यहाँ पर बनाइएगा आप। उसके बाद आपको हमने जैसे कॉपी में कहा है कि चार खंड करके चार पत्ती चिपकाइएगा पहले पेज में इस तरीके से,
ठीक है। उसके बाद दूसरे पेज में आप पिक्चर बनाइएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर, आपको क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू एंड फॉल्स है, मैं आपको राइट करके दूंगी, आप राइट कर लीजिएगा। इतना वर्क आपको करना है, ठीक है। पत्तियों को बहुत, जब पेड़ के पास जाएं तो पत्तियों को बहुत कोमलता से स्पर्श करें, ठीक है। और एक पत्ती उससे तोड़ लें और उस पौधे से क्षमा मांग लें, ठीक है, कि मैं आपसे आपका एक अंग तोड़ के लेके जा रही हूँ, मुझे बुक में चिपकाना है, मुझे उसके लिए आप क्षमा करें, ठीक। ओके, सारे बच्चे इतना वर्क करके रखेंगे और मुझे संडे को वर्क भेजेंगे। जो अगर घर में कोई मम्मी पापा सुनने वाले नहीं हैं या आपकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, तो आप अपनी बातों को आप पेड़ जब छुएंगे और कैसा एहसास होगा, अनुभूति को मुझे रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। ओके बाय, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पेड़ की पत्ती घर से ही तोड़िए, बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर क्या लगा है, लॉकडाउन। ओके बाय।